पंजाब और हरियाणा के यूपी के किसानों में जो जोम जुस्सा है वो हमारे यहाँ नहीं है। 10 तारीख के रात को 12 बजे से मेरे घर पे पुलिस बिठा दी, मुझे नज़र कैद कर दिया। किसान जो शहीद हुए हैं उनको हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम दिया, गांधी जी के पास बैठ के धरना किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दिया और ये 3 कानून रद्द करने के लिए उनके सामने मांग की, तो पुलिस आके हमको पकड़ गई। उनको एक एक को ट्रैक्टर या टेम्पा से बसों से खींच खींच के मारा गया, उनकी सीढ़ी बनाई हुई है। वो देख के किसी को लगेगा कि हिटलर भी ऐसा नहीं करता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हिटलर जितना जितना पूंजीपतियों के दबाव में आके काम करता था लेकिन जनता उनको नहीं मानती थी, फिर भी उनकी वाहवाही करती थी। क्यों? डर के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ हो रहा है। असी से मौजूद हाँ सिंघू बॉर्डर से, गुजरात तो भी कुछ किसान आए हुए ने। PM साहब हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ तुम देखनी हो हिंदुस्तान गुजरात का मॉडल ला के देखो भी गुजरात में कि चीज़ा या विकास होया। आप इन किसानों को जाएंगे कि वाकई गुजरात के कोई मॉडल हैगा जिसन देख के पूरे देश के दे लोग जोड़े ने प्रभावित होन। आप किसानों को जाएंगे। साहब का नाम क्या? मैं विपिन पटेल, गुजरात खेडूत समाज का महामंत्री और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट खेडूत समाज का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? क्योंकि बाकी ये बोल रहे हैं, मीडिया गोदी मीडिया बोल रही है, बाकी भी बोल रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे जो किसान है वो पंजाब का है। अब आप क्या यहाँ पे करने के लिए आए हो? हमारा एक बात ऐसी साफ सरकार को हम बोलते हैं कि आज हरियाणा पंजाब के किसान ने देश को किसानों में जागृति लाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज पंजाब और हरियाणा में जितनी MSP पे खरीदी की जाती है उससे भी कम, हमारे जैसे बहुत से स्टेट में MSP के दाम से कम दाम में खरीद होती है। लेकिन यहाँ जो पंजाब और हरियाणा के यूपी के किसानों में जो जोम जुस्सा है वो हमारे यहाँ नहीं है, और सरकार से डरे हुए सरकार ने सरकारी तंत्र के माध्यम से कोऑपरेटिव सेक्टर, APMC का सेक्टर में उनमें उनके BJP के कार्यकर्ताओं के, आज मेरे 226 APMC का चेयरमैन जो है उसमें से 90% चेयरमैन BJP के मानने वाले हैं और BJP के प्रेसिडेंट हैं, तो हम उनको बोलते हैं तो वो हमारे साथ सहकार देने के लिए बोलते हैं लेकिन खुलेआम लड़ाई करने के लिए नहीं आते हैं। आज किसान BJP का किसान संघ है वो भी बोलता है कि कानून तो गलत हैं, तो हमने बोला कि आप भारत बंद में साथ आओ, आप धरने में साथ आओ, तो कहने यार हमें पार्टी का डिसिप्लिन उनको सामने आ जाती है तो वो नहीं आते हैं। आज हमारे यहाँ और कई कई जगहों में उन्होंने अपना प्रजातंत्र के साथ सरकारी तंत्र, पुलिस का जुल्म, आज मेरे देखो कि 10 तारीख को मैंने बड़ौदा में धरने किए, धरने करने के बाद 10 तारीख के रात को 12 बजे से मेरे घर पे पुलिस बिठा दी, मुझे नज़र कैद कर दिया। 16 तारीख तक मैं 15 तारीख नज़र कैद रहा, बाद में मेरा 18 तारीख 19 तारीख को वहाँ अपना छत्तीसगढ़ में रायपुर में ऑल इंडिया किसान सम्मान मीटिंग में मैं हाजिर हुआ, और वहाँ से आके यहाँ जो 29 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए हैं उनको हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम दिया, गांधी जी के पास बैठ के धरना किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दिया और ये 3 कानून रद्द करने के लिए उनके सामने मांग की, तो पुलिस आके हमको पकड़ गई। तो क्या हम आतंकी हैं? और देश के प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री बोलते हैं कि ये पूरे देश के किसानों के हित में एक कानून है और ये देश का किसान कहीं भी अपना माल है तो क्या आज नहीं बेच सकता है? कानून बना था, पहले भी बेच सकते थे, लेकिन ये पूंजीपतियों की APMC बनाने के लिए उन्होंने कानून में असमानता लाया, APMC को, पुरानी APMC को ख़त्म करने के लिए। और मैं जब नीति आयोग में जब मीटिंग में जाता हूँ तो वहाँ का भी सदस्यों का
का कहना है कि एमएसपी हमें ख़त्म करना है और अमेरिका ढांचा या यूरोपियन ढांचा को हमें, या जो 5-7% वहाँ खेती किसान उनकी आबादी के 5% जो होते हैं, तो ऐसा यहाँ भी करना है। तो मैं देश के प्रधान पूछता हूँ कि 80% देश की आबादी ये 7.5 लाख गांव में बटी हुई है, किसानी के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या ये देश में 15% 20% जो करना चाहते हैं तो क्या उनको कैसे खत्म करेंगे? अच्छा, मुझे एक बात और, आपने भी जिक्र किया है कि बीजेपी की जो इनका बना हुआ किसान का एक संघ बना हुआ है, आपने बोला कि वो अभी इसका विरोध कर रहे हैं पर आ नहीं रहे, ये गुजरात में हो रहा है ऐसा? कानून से वो मरने वाले, वो उनको पता है, लेकिन वो लोग बीजेपी के डिसिप्लिन में रह के या उनका डर के माध्यम से उनका पोस्ट पोजीशन चली जाएगी, ये डर के माध्यम से वो साथ नहीं जुड़े। सरकार जो होती है, जब आती है वोट लेके आती है, वो कहती है कि हम सबको सहूलत देंगे, सहूलतें देंगे। जब पीएम साहब बोलते हैं तो वो गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं कि आप गुजरात मॉडल जाके देखो। अब ये बताओ साहब कि गुजरात मॉडल की सच्चाई क्या है, वाकई गुजरात अच्छा बना हुआ है? गुजरात मॉडल बना हुआ है उससे क्या, जहाँ जहाँ मॉडल बना हुआ है उसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है, ये किसी ने स्टडी की है? केरल, ये बोलते हैं कि गुजरात की जीवादोरी है, तो गुजरात की जीवादोरी जो है तो गुजरात का किसानों को ये उनकी जो क्रॉप लेने के समय उनको समय सर उनको पानी इरिगेशन मिलता है। आज बिजली है तो हमें 8 घंटे बिजली रात को मिलती है, वो पूरे देश के सिटी उद्योग बची हुई बिजली हमें रात को क्यों देते हैं? आज हमारे यहाँ मजदूर काम करते हैं तो रात को उनको जीव जंतु काटने का डर नहीं है। तो हमें डिमांड है कि 8 घंटा हमें और दो तो वो एक कंटिन्यू दो। लेकिन आज क्या होता है कि आज हमारे खेत में पानी का रेला पहुँचा है और वहाँ लाइट की ट्रिप आ जाती है, फिर से वो मजदूर बैठता है, आधा घंटे घंटे के बाद आता है, तो ऐसे जो धक्का लग रहा है। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई किसान का ये मॉडल, क्या ये मॉडल है? भी मॉडल अच्छे बने हुए गुजरात में, किसान ही ऐसा है, पर एक किसान ऐसे हैं, लेकिन आप समझो कि पूरे आज उत्तर प्रदेश में एमएसपी के भाव से ज़्यादा क्रॉप परचेज किया जाती है। आपको जितना परचेज किया जाता है एमएसपी के भाव से, हमारे यहाँ नहीं परचेज होता है, फिर भी किसान उठा नहीं रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा है। कारण क्या है विरोध ना करने का, कारण क्या है? कारण है किसानों को पता है कि यहाँ कोई लड़ाई करेंगे, क्योंकि लास्ट हमारा 2004 में जब हमने नरेंद्र मोदी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उसके सामने हमारा एक जीव यानी कि बिजली का बारे में हमारा आंदोलन में ही चलाता था। उस टाइम शरद जोशी भी थे, विपिन देसाई हमारे नेताओं थे। तो बड़ौदा में हमने जब जीव को हम घेराव करने के 15 अगस्त के दिन हमने विराम किया, तो पूरे गुजरात के किसान हर एक साइड से आने वाले थे, आते रहे थे, तो उन्होंने पुलिस हर एक साइड पे रास्ते पे खड़ी कर दी। हमारे यहाँ करजन के बगल में सूरत और भरूच और वलसाड और वापी से जो आने वाले किसान थे, उनको एक एक को ट्रैक्टर या टेम्पा से बसों से खींच खींच के मारा गया। उनकी हमारी ये हमारे पास उनकी उनकी पिक्चर है, उनकी सीढ़ी बनाई हुई है, वो देख के किसी को लगेगा कि हिटलर भी ऐसा नहीं करता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हिटलर जितना जितना पूंजीपतियों के दबाव में आके काम करता था, लेकिन जनता उनको नहीं मानती थी, फिर भी उनकी वाहवाही करती थी, क्यों? डर के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ हो रहा है। आप जो बोल रहे हो, जो बातें भी कर रहे हो, आप भी सरकार के डर के माध्यम से, वहाँ कोई बोलता ही नहीं। अभी आपको सरकार जो लाठीचार्ज करेगी या गवर्नमेंट वहाँ पुलिस लाठीचार्ज करेगी, ऐसे किसान नेता का वहाँ से किसानों के लेके दिल्ली नहीं पहुँचे, इसके लिए वहाँ नजर कैद कर दिया, किसी को पकड़ के बिठा दिया। प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो सबको है ना, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं। कोई जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी किसान का हक है अगर शांतपुर के बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, फिर गुजरात में क्या दिक्कत हो रही है? आप तो शांतपुर के बैठने वाले हो ना। गुजरात का बात में गांधी और सरदार का ये गुजरात है। हम आज दिन तक 40 सालों के पहले से, हमारा ये 50 सालों से गुजरात खेडू समाज बारडोली का ऐतिहासिक ये प्लेस है, और दयाराम भाई पटेल जैसे लोग
सरदार वल्लभ पटेल, सरदार भाई के जैसे पटेल के जैसे लोग ये आंदोलन में साथ में रहे थे। आज एक किसानियत को छोड़ने के बाद जो आज नई प्रजा आई है और उनको क्या सपना दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, और जैसे जैसे हमने बताया कि भाई आपको हमको हमारी हम इलेक्शन में आ जाएंगे, तो सबसे पहला कानून हम किसानों का स्वामीनाथन का रिपोर्ट डेढ़ गुना आम देंगे कि साइन में कर दूंगा। किसानों को बोला पूरे देश की जनता के सामने, इंटरनेशनल जैनों के सामने, मोदी जी ने बताया कि कांग्रेस की सरकार सबसे ज़्यादा निकास किसकी करती है आपको पता है, तो कि नहीं, उनको हरी क्रांति की कांग्रेस को नहीं पड़ी है, ग्रीन क्रांति की नहीं है, श्वेत क्रांति की नहीं पड़ी हुए, लेकिन उनको वो पिंक क्रांति की शुरुआत की है। तो पिंक क्रांति क्या होती है, तो लोग ने बोले कि क्या पिंक क्रांति क्या है, तो बताया कि पिंक क्रांति यानी कि मटन और मांस का जो कलर होता है वो सबसे ज़्यादा ये देश का देश की सरकार यहाँ से निकास करती है, गुजरात से नहीं, पूरे देश में से। तो वो जब ऐसा सभी अच्छी अच्छी बातें करके हम भी साथ में आ गए कि चलो यार ऐसा प्रधानमंत्री हमारे गुजरात से निकला है तो हमें सहयोग देना चाहिए, तो सब लोगों ने सहयोग दिया, पूरे देश के जनता ने सहयोग दिया। लेकिन उन्होंने जो 13 में 14 का बड़ा प्रधान बनने के लिए जो भी कुछ किया, 15 लाख की बात की, देश के काला धन लाने की बात की, किसानों को दाम देने की बात की ऐसी, तो जब 14 में वो आए तो 14 में उन्होंने जो कांग्रेस वाले जितना भी निकास करते थे मांस मटन की, उससे ज़्यादा उनके शासन में हो गई, परसेंटेज बढ़ गया। और बोल रहे थे कि किसानों के बच्चों को हम कॉटन वाले को, शुगर वाले को ये कुछ बेनिफिट करके उनको अपना इंडस्ट्री डालने के लिए मदद करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फी दे देंगे, आज जैसे मांस मटन को 5 करोड़ तक का उनको ये दे रहे हैं, ऐसे सब्सिडी देंगे। आज मैं प्रधानमंत्री को पूछ रहा हूँ कि देश के कॉटन हो, ऑयल सीड हो, या शुगर कैन के, या अलग अलग माध्यम से जो खेती करते हैं उनके किसान को कितनी इंडस्ट्री लगाई। नहीं, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यही है, जब आप यहाँ पे आए हो, मैं अभी भी जिक्र कर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि गोदी मीडिया ये लगा हुआ है कि सिर्फ जो ये आंदोलन है वो पंजाब का है, आप गुजरात से आए हो, अभी भी लग रहा है कि केंद्र सरकार को लग रहा होगा या गोदी मीडिया को कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, ये बात तो इनको आतंकवादी बोला इन्होंने जब आए थे, ये बात बिल्कुल गलत है। हम गुजरात में भी कल मेरी स्पीच में भी बोला है कि ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरे देश के किसानों का है। क्यों कि पूरे देश की जनता को ये 3 कानून इफेक्ट करने वाला है। आज APMC बंद हो जाएगी तो पुरानी APMC बंद हो जाएगी तो उनके कर्मचारी बेकार हो जाएंगे, MSP के माध्यम से खरीद करते हैं वो बंद हो जाएगी। अच्छा, मैंने एक सवाल है कि आपको लगता है कि ये आतंकवादी हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ये बोल रहा है भी यहाँ आतंकवादी बैठा, अब आप गुजरात से आ गए हो, अब आपको क्या बोलेंगे भाई, ये आतंकवादी बोले या खालिस्तानी बोले, उनको जो भी बोलना है बोले, लेकिन हम किसान के घर में धरती पुत्र के पुत्र हैं, धरती माता हमारी माता है, वो कोई ऐसे बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो तुम देखे कि तुम एक तस्वीर दिखा रहा कि गुजरात तो आए ने, जो कि नरेंद्र मोदी की मॉडल की गल करते हैं गुजरात, वो भी इन्होंने दसिया कि किस तरीके इन्हों का मॉडल बनया हुआ है, तो हर एक वीडियो शेयर कर दे, पेज लाइक करो ताकि किसानी संघर्ष से जुड़ी हुई हर खबर तक असी पहुँचा सकी।